الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم ربا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <coughs> أبتك أخريد فروقتك बहसें चल रही थी उसके मसाइल हमने बयान किए थे इसी बैग की एक किस्म है इजारा यानी कि किसी चीज़ को किराए पर देना या किसी शख्स को किराए पर रखना ये इजारा जो है ये भी बैग की एक किस्म है लेकिन यहाँ चीज़ बेची नहीं जाती बल्कि बैग की बैग का मुनाफा या बैग का नफा उसका फ़ायदा ये बेचा जाता है हम मकान किराए पर देते हैं तो मकान बेचा नहीं जाता बल्कि मकान से फ़ायदा हासिल करना मकान का मुनाफा नफ़ा ये बेचा जाता है इसे कहते हैं किराया इजारा अल्लाह तबारक तला ने कुरान पाक में हज़रत शेब और हतमूसा सालातस्लिम के त्लुक़ से ये बयान फरमाया कि हत मूसा के तल्ल से हत शब्लाम की दो बेटियों ने कहा था दो बेटियों में से किसी एक ने कहा था कि ए वाल साहब आप जो हैं हत मूसा को उजरत पर यानी के किराए पर रख लीजिए ये बड़े ही अच्छे शख्स हैं कवि और अमीन हैं अमानतदार हैं मजबूत हैं तो आप इन्हें अपनी उजरत पर रख लिया तो हत शब असलाम ने मूसा को आठ साल के लिए किराए पर रखा और कहा कि अगर आठ साल तक तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे तो मैं अपनी इन दोनों बेटियों में से किसी एक से तुम्हारा निकाह कर दूंगा और अगर दो साल और तुम दस साल करो दो साल एक्स्ट्रा और तुम काम करो नौकरी करो तो ये तुम्हारी तरफ से होगा आ, तुम अपनी तरफ से करना तो बहरहाल तो तस्लीम ने जो है वहाँ हत शब के यहाँ दस साल काम किया और उनसे जो है हत सफूरा का निकाह भी हुआ और इसके अलावा भी यानी कुरान में भी इस इजारा की इस यानी कि किराए की जो है उजरत पर रखने की या नौकरी पर रखने की ये दलील है कुरान पाक में इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लासम हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत अदा की जानी चाहिए मजदूर ने मजदूरी की वो उजरत पर होता है किराए पर होता है उसने अपना काम किया तो उसका पसीना खुश्क हो जाए सूख जाए उससे पहले उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमने अगर महीने के लिए रखा तो महीने में तो उसका तीस दिन तक पसीना आ, सूख जाएगा खुश्क होगा अगर महीने के लिए रखा तो महीने में उजरत वाजिब होगी अगर एक दिन के लिए रखा तो एक दिन लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो हमारी शर्त हो जो हमारी आ, मु, हमने मुतन किया हो <coughs> उस हिसाब से हमें उसका किराया अदा कर देना चाहिए और किराया अदा करने में उजरत देने में हमें ताखिर नहीं करनी चाहिए और किसी को परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि जो तय हुआ हो वो अदा कर देना चाहिए इसी तरह से साहबा क्राम आदिश में आता है कि साहबा इक्राम एक, एक सफर से वापस आ रहे थे और रास्ते में आ, जो है अरब का ये माहौल था ये माशरा था ये उनका रिवाज था कि अहले अरब जो हैं वो मुसाफिरों को खाना खिलाते थे जिस बस्ती में मुसाफिर पहुंच गए काफिला पहुंचा तो बस्ती वाले आपस में मिलजुल कर इंतजाम करते और उन्हें खिलाते पिलाते थे फिर ये काफिला आगे रवाना होता अब साहब इक्राम की जमात एक बस्ती में पहुंची उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं हमें कुछ खिलाओ तो उन कबीले कबीले वालों ने जो है उन्हें इनकार कर दिया कि नहीं हम तो आपकी मेहमानी नहीं करेंगे हम तो आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो साहब अक्राम आगे बढ़े कि चलो ठीक है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने लगे तो उस मौके पर जो है एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि हमारे सरदार को एक बिच्छू ने काट लिया है अगर आप जो है आप में से कोई झाड़फूंक करना जानता हो तो वो झाड़फूंक कर दे उन्होंने कहा चूंकि हम साहबा ने कहा कि तुमने हमारी मेहमानी नहीं की इसलिए हम अगर झाड़फूंक करेंगे और जहर उतारेंगे तो उस पर उजरत लेंगे यानी कि हम उसकी रकम लेंगे उसका बदला लेंगे तो कहा ठीक है तीस बकरी तय हुई ये आए और आने के बाद जो उन्होंने सुरे फातिया मरतबाह पढ़कर उस जिसे बिच्छू ने डंक मारा था उस पर दम किया सारा जहर उतर गया तो तय शुदा के मुताबिक उन्होंने तीस बकरियां दी अब ये तय हुआ कि चलो भाई भूख लगी है काटो खाओ या आपस में तकसीम कर लो तो साहबा ने कहा कि अब इस मामले को हम अल्लाह के रसूल तक पहुंचाएं उसके बाद ही फिर इसका कोई फैसला कर सकते हैं अभी से हम कोई फैसला नहीं करते पहले अल्लाह के रसूल से पूछ लें कि ये जायज भी है या नहीं जब सरकार की बारगाह में पहुंचे और सरकार को सारा वाक्य बयान किया सरकार ने पूछा अच्छा ये एक बात की वजह यहां ये भी हो जाए कि ये झाड़ फूंक का मामला था तो चूंकि अल्लाह के रसूल के अदी सोमवार सरकार ने साहबा से फरमाया था कि झाड़ फूंक करना हराम मना है झाड़ फूक ना करे कोई भी खबरदार और जिसने झाड़ किया उसने शिरक किया तो इस वजह से साहबा ने यह सोचा कि पता नहीं ये जायज भी हो या नहीं तुमने झाड़ के जरिए से जो है ये कमाई हासिल की है सरकार की बारगाह में पहुंचे सारा वाक्य सुना उन्होंने सरकार ने पूछा कि तुमने क्या झाड़ा क्या फूंका था तो क्या मैंने सुरे फातिया सात मरतबा पढ़कर दम कर दिया उसका जहर उतर गया सरकार ने फरमा तुझे कैसे पता चला कि यह झाड़ है तुझे कैसे पता चला कि सुरे हाँ झाड़ में काम आती है झाड़ फूंक में काम आती है तो सरकार उसके बाद इशारा फरमाते कि तूने अच्छा किया और ये बकरियों में से जो तीस बकरियां उनमें से हिस्सा करो तो मेरा भी हिस्सा निकालना तो इससे ये पता चला कि जो यानी कि किराया लेना उजरत लेना ये भी जायज़ है और ये भी पता चला यानी आपने कोई काम किया तो उस पर उजरत ले सकते हैं और ये भी पता चला कि झाड़ फूंक करना ये शिरक नहीं है हराम नहीं है हदीस में जो शिरक आया वो उन कलिमात के जरिए झाड़ फूंक करना कि जो, जो पुराने ज़माने में इस्लाम से पहले जो बुतों के नाम से झाड़ फूंक की जाती थी सरकार ने उससे मुनाफरमाया इसी तरह की एक हदीस और भी है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमा कि जिसने तावीज़ अपने गले में लटकाया उसने शिरक किया तो यहाँ ये भी बहुत से लोग जो हैं बस ये हदीस पेश कर देते हैं कि जिसने तावीज गले में लटकाया उसने शिरक किया वो ये समझते नहीं कि हदीस का बैकग्राउंड क्या है हदीस का पस मंजर क्या है कि अल्लाह के रसूल ने जो है वो तावीज़ लटकाने से जो मना फरमाया था ये वो तावीज़ थे कि वो लोग जो है बुतों के नामों के तावीज़ लगाते थे बुतों के नाम लिख कर तावीज़ लटकाते थे सरकार ने उससे मना फरमाया था वो शिरक था लेकिन कुरानी आयात के अगर आप तावीज़ बनाकर अपने गलों में डालें अपने बच्चों के गले में डालें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है साहबा से भी ये साबित है तो बहरहाल या ये तो एक जमनी मसला था जो मैंने दरमियान में बयान कर दिया तो इजारा जो है वो किराया कहते हैं इजारा दारी, दारी। तो हम जो है मकान दुकान, दुकान वगैरह किराए पर देते हैं ये देना जायज है और जो किराया हमारा माहाना तय हुआ हो उस एतबार से हमें किराया हासिल हो जाएगा अब यह है कि हमने अगर जमीन मकान जमीन मकान या दुकान को जिस चीज के लिए किराए पर दिया आमतौर पर मिसाल के तौर पर मकान रहने के लिए किराए पर दिया जाता है तो आपने मकान को रहने के लिए किराए पर दे दिया अब आप उसमें जो है यानी जो किराएदार है वो उसके अंदर रह सकता है और दूसरे किसी को रख सकता है उससे किराया ले ना ले वो उसकी मर्जी की बात है लेकिन वो अपने साथ किसी और को आ, रख सकता है वहां कितने लोग रहेंगे इसकी कोई तयन नहीं है मिसाल के तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि मकान मालिक जो है वो कहता है भाई मैंने तो तुमको किराए पर दिया था तुमने अपने दोस्त को भी बुलाकर रहना शुरू कर दिया अपने भाई को भी कर रहना शुरू दिया तो आ, कहते है ये भाई आ, उसने मकान किराए पर लिया है अब वो खुद रहे अपने भाई को बुलाकर रखे अपने बीवी बच्चों को बुलाकर रखे अपने दोस्तों को रखे ये उसकी मर्जी की बात है हाँ अलबत्ता ये उस मकान में कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो उस मकान को नुकसान दे हो उस मकान या दुकान को नुकसान पहुंचाने वाला हो मिसाल के तौर तो पर अः मकान रहने के लिए लिया जाता है और उसने लिया हमने किराए पर मकान दे दिया अब उसके अंदर अः वो जो है अः क्या नाम है कोई बड़ी बड़ी मशीनें चालू कर दे कि जिससे मकान को नुकसान होने का अंदेशा हो या कोई ऐसा का, कारोबार उसके अंदर शुरू करे कि जिससे मकान को नुकसान होने का अंदेशा हो अगर हाथ से चक्की चला रहा है तब तो कोई हर्ज नहीं लेकिन वो चक्की लगा दी मशीन वाली के जिससे मकान को नुकसान पहुंचेगा तो उससे मना किया जा सकता है और ये लगाना उसके लिए जायज नहीं होगा इसी तरह से जमीन अगर किराए पर ली है तो जमीन में भी वो बंदा जो है पेड़ पौधे उगाए और उससे खेती करे जो भी करना चाहे वो कर सकता है उससे इजाजत है लेकिन ये कि अगर जमीन में ये पहले से तय कर लिया जाए कि वो किस चीज की खेती करेगा तो अगर मिसाल के तौर पर अनाज की मैं अनाज की खेती करूंगा तो उसमें अब वो गेहूं चावल और जौ वगैरह ये सारी चीजें उगा सकता है या सब्जियां उगाना चाहे तो सब्जियां उगा सकता है लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो कि जिससे जमीन को नुकसान पहुंच सकता हो तो फिर उसे उसकी खेती करने के लिए मालिक जमीन की इजाजत लेने की जरूरत पेश आएगी कि वो पहले इजाजत ले ले जैसे कि कुछ यानी चीजों की खेतियां ऐसी होती जो जमीन को खराब कर देती जैसे तंबाकू की खेती है तो अगर गेहूं और ज, यानी गेहूं है या अनाज गला है उसकी खेती में तो कोई हर्ज नहीं लेकिन अगर तम्बाकू की खेती करेगा तो फिर उसमें जो है हर्ज लाइक होगा तो इसलिए अः तंबाकू की खेती करने से पहले उसे इजाजत लेनी जरूरी होगी <coughs> इसी तरह से दुकान में भी आपने यानी दुकान किराए पर दी तो वो कोई भी काम यानी कि चीज बेच सकता है जो भी आमतौर पर उर्फ और रिवाज में है कि भाई ये चीजें का इन चीजों का कारोबार हो सकता है वो किसी भी चीज की दुकान लगा सकता है जबकि उसकी इमारत को कोई ऐसा यानी कारोबार न लगाए कि जिस जो उसकी इमारत को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अलबत्त यह कि वो हराम चीजों की का, के कारोबार में लगा दे मिसाल के तौर पर यानी अगर वो शराब की दुकान खोल दे या डांस बार शुरू कर दे या जुआ यानी कि जुए का बार शुरू कर दे इस तरह की अगर चीजें करे तो उसे मालिक के मकान जो है वो खाली करवा सकता है अपना इजारा खत्म कर सकता है और उसमें जो है मालिक की दुकान की इजाजत लेना उसके लिए जरूरी होगा इसी तरह से अगर यानी कि कोई शख्स किसी हिंदू को मकान या दुकान किराए पर दे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है ये भी दिया जा सकता है अब ये यानी कि वो हिंदू उस मकान में रहकर पूजा पाठ करता है या उसमें रहकर वो जो भी करना चाहता है वो करता है अंदर बैठ शराब पीता है इससे मालिक के मकान पर कोई हर्ज नहीं है इसी तरह से इजारे और किराए के लिए जो शराइ है उन शराइ में से ये है कि जो किराया यानी कि किराए का मामला करने वाला बंदा है वो आकिल और बालिग होना चाहिए अगर पागल ने किराए का मामला किया तो ये पागल का जो है किराए पर देना लेना ये सारी चीजें जो है ये दुरुस्त नहीं है या छोटा बच्चा अगर किराए पर लेना देना करे तो ये भी जायज़ नहीं है अलबत्ता जो उसका वली है छोटे बच्चे का जो वली है अगर वो अपने बच्चे की जानब से किराए के मामला करता हो तो ये सूरत जायज है वरना तो ये जायज नहीं है इसलिए कि उसमें उसके नुक, नुकसान होने का अंदेशा है इसी तरह से जो बंदा जो है किराए पर देता है उसके लिए जरूरी है कि वो आ, चीज़ जो है उसके हवाले कर दे मिसाल के तौर पर मकान या दुकान अगर उसने किराए पर दी तो लाजिम और जरूरी है कि वो यानी कि उसे खाली करके मकान है तो मकान खाली करके फिर उसके हवाले कर दे तो अः जब उसने यानी कि हवाले कर दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया अब चाहे वो रहे ना रहे किराया देना लाजिम होगा एक महीना होगा किराया देना लाजिम होगा और अगर यानी कि जब भी मिसाल वो जितना यानी जितने अर्सा किराया पर या तो कभी ऐसा होता है कि एक मुद्दत मुतिन होती है कि भाई एक महीने के लिए किराए पर ले रहे हैं एक दिन के लिए एक घंटे के लिए जो भी चीज है मिसाल के तौर तो पर आ, कोई आ, गाड़ी है या सवारी है साइकिल है मोटरसाइकिल है ये एक एक घंटे के किराए पर मिलती है तो उसका भी यानी वो भी देना जायज है उसमें भी कोई हर्ज नहीं है एक दिन के लिए आपने होटल का कमरा किराए पर लिया तो ये भी जायज है इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और इसी तरह से एक महीने के लिए मकान किराए पर लिया इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और इसी तरह से आप जो है साल भर के लिए किराए पर लें इसमें भी कोई हर्ज नहीं है बाज लोग ये आजकल हमारे यहाँ ये रिवाज है कि ग्यारह महीने का ग्यारह महीने के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि ग्यारह महीना का यानी कि हम आपको किराए पर देते हैं ग्यारह महीने के बाद ये एग्रीमेंट फिर रिन्यू होता है तो उस ग्यारह महीने की मुद्दत का अगर ये एग्रीमेंट हुआ कि ग्यारह महीने के लिए हमने आपको किराए पर दिया हर महीना आपको किराया अदा करना है तो हर महीना वो किराया अदा करता रहेगा जब ग्यारह महीने होंगे तो मालिक मकान की मर्जी वो चाहे तो रिन्यू करे चाहे तो वो उसे खाली करवा सकता है इसी तरह से कुछ लोग जो है कई साल तक रहते हैं मकान या दुकान वगैरह में कई साल हो जाते हैं बीस पचास साल हो जाते हैं अब वो कहते हैं भाई हम तो तीस साल से हम तो चालीस तो इसलिए वो मालिक मकान मालिक का है दुकान मालिक की है और उसने तो आपको किराए पर दिया था वो आपकी मिल्कित नहीं हो जाएगी हाँ आपने उसमें कुछ नई चीजें की हो आपने उसमें फर्नीचर बनाया हो आपने उसमें कुछ लगाया हो तो आप उसे निकाल कर ले जाए लेकिन आप पर यह जरूरी है कि आप उसे खाली करें हाँ को कोई ऐसी चीज लगाई है कि जो उससे जुदा नहीं हो सकती है कम्पल्सरी हो गई है परमानेंट हो गई है तो उस सूरत में आप उसका उसके यानी उसका एवज ले सकते हैं भाई मैंने ये लगाया है तुम्हारे घर में और ये ज्यादा अब यह अलग नहीं हो सकती तुम इसका मुझे मुझे पैसा दे दो तो आप यानी कि मालिक मकानों से उसकी उजरत उसका पैसा जो है वो अदा कर देगा लेकिन बहरहाल मकान खाली करना होगा आजकल का माहौल तो ये है हमारे माशरे का हाल यह और हमारे मुसलमानों का हाल ये फिर कहते हैं कि वबाएं आती मुसीबतें आती यकीन ये मुसीबतें और ये वबाएं हमारे अमाल का ही सबब है बहुत से लोग ऐसे हैं तो, होते हैं जो मसाजिद के कमरों में मस्जिदों के कमरों में या मस्जिदों के आ, म, मदरसों या वगैरह के जो अवकाफ की चीजें हैं उनके जो कमरे बने होते हैं किराए पर देने के लिए उनके मकानों में रहते हैं और जब पंद्रह बीस साल हो गए तो फिर अपना मालिकाना हक जमाते हैं कि हम तो बीस साल से रह रहे हैं हमारे तो दादा पर दादा यहाँ रहते थे हमारे तो पचास साल हो गए हम खाली नहीं करेंगे ये यानी कि खास

साल रहने। और और इसीलिए ये सारे होते थे और फिर अच्छा वो गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की भी और कानून की भी धमकी देते हैं कि हम जो है कोर्ट में जाएंगे भाई कोर्ट में जाएंगे यकीनन कोर्ट हमारे खिलाफ अगर मालिक मकान के खिलाफ फैसला करेगा तो हो सकता है कि उसका एक मकान चला जाए लेकिन इंदलदाह वो बड़ा गुनहगार होगा और उसे उसका हक दिलाया जाएगा क्यामत के दिन आज अगर दुनिया में उसका नुकसान हुआ है तो आखिरत में उसके लिए फ़ायदा ही फायदा होगा और आपके लिए नुकसान ही नुकसान होगा तो आखिरत के नुकसान से बचने की फिक्र करनी चाहिए दुनिया तो हाथ का मैल है आती जाती है और दुनिया का सामान तो थोड़ा है अल्लाह तबारक तारा के नज़दीक दुनिया की हैसियत जो है एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है तो दुनिया की लालच में हम अपनी आखिरत को बर्बाद न करें और हम ईमानदारी के साथ मकान दुकान जमीन जो भी है वो मालिक मकान के हवाले कर दें अगर वो चाहे तो और इसी वजह से अब 11 महीने का एग्रीमेंट होने लगा है तो 11 महीने के एग्रीमेंट अगर होते हैं ये ज्यादा मुनासिब है आजकल जो भी बंदा किराए का मामला करना चाहे उससे चाहिए कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट कर ही ले चाहे वो दस साल उसको यहाँ रहने दे, लेकिन हर ग्यारह महीने में न्यू एग्रीमेंट करें ताकि वो कभी भी इस तरह बना कब्जा जमाने की वो जरूरत ना कर सके और उसे जो है इस तरह की उसकी नीयत खराब ना हो जाए इसी तरह से हम जो है अगर किसी को टीचिंग के लिए टीचर के तौर पर अगर किसी को उजरत पर रखते हैं मालिम को उस्ताद को चाहे वो किसी भी फन का हो या किसी भी चीज़ का हो कुरान पढ़ने की और कुरान पढ़ाने की उजरत तो बिल्कुल भी नहीं है मिसाल के तौर तो पर कुरान खानी के लिए उजरत या आयत करीमा का खत्म पढ़ने की उजरत ये सब उजरतें तो नहीं है और ये जायज़ नहीं है देने वाला गुनहगार लेने वाला गुनहगार हाँ और अगर ये उजरत तय कि दोनों गुनहगार होंगे हाँ अगर किसी ने आकर पढ़ दिया और अगर अपनी खुशी से अगर कोई देता है तो अलग बात है बहरहाल तो ये उजरत तो तय नहीं हो सकती लेकिन भाई इल्म यानी कि ग्रामर पढ़ने के लिए अरबी का ग्रामर पढ़ने के लिए आपने किसी को उस्ताद रखा या कोई चीज सिखाने के लिए कंप्यूटर सिखाने के लिए आपने किसी को टीचिंग के लिए रखा या कोई भी हुनर सिखाने के लिए अगर किसी को उस्ताद रखा तो उस उस्ताद की उजरत बिल्कुल लाजिम होगी और वो उसे देना होगा इसी तरह किसी कातिब को उजरत पर रखा लिखने के लिए भाई ये किताब है वो आप लिख दो तो लिखने की भी उजरत वो बिल्कुल लेगा वो उसकी मेहनत है वो यकीन उसकी उजरत ले सकता है इसी तरह कोई चीज़ सिखाता है कोई हुनर या कोई काम काज सिखाता है उसकी भी उजरत ले सकता है जो उजरत तय हुई हो महाना वो महाना लेगा इसी एतबार से अगर यानी कि किसी ने उजरत दे दी यानी मिसाल के तौर तो पर अगर किसी ने बंदे ने एक महीने की ये फीस है वो फीस अदा कर दी और अगर फिर वो दरमियान में अगर छोड़ना चाहता है कि भाई अब मुझे ये काम नहीं करना या नहीं सीखना तो उतने दिन की उजरत काट कर वो उजरत को वापस करना होगा यानी कि दो चार दिन अगर उसने वो आया और उसके बाद अब वो चाहता है कि अब मुझे नहीं आना या मुझे ये क्लास अटेंड नहीं करने और वो छोड़ना चाहता है सीखना अब छोड़ना चाहता है तो दो तीन दिन की जो भी फीस बनती हो वो काट कर बाकी की फीस जो वो उसे वापस करनी होगी इसी तरह से अगर किसी बंदे ने किसी चीज को किराए पर लिया मिसाल के तौर तो पर उसने कपड़ा पहनने के लिए किराए पर लिया तो अगर वो कपड़ा पहनने के लिए किराए पर लिया चाहे पहने ना पहने उसका किराया देना होगा अगर कोई बंदा जो है इसी तरह शामियाना लेता है मिसाल के तौर तो पर मंडप जिसे हम कहते हैं मंडप लेता है तो ये मंडप जो है वो होता तो मिसाल के तौर पर एक दिन शादी है और एक दिन के लिए लिया लेकिन वहां तय ये होता है कि भाई एक दिन का इतना किराया होगा बर्तनों का एक दिन का इतना किराया होगा तो अब इस सूरत में वो जितने दिन वो बर्तन या वो मंडप अपने घर में रहने देगा उतने दिन का किराया उस पर देना वाजिब होगा वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो एक ही दिन इस्तेमाल करके यानी मेरे यहाँ तो एक ही दिन का काम था तीन दिन का काम नहीं था तो मैं तीन दिन का किराया क्यों दूं इसलिए कि एक दिन का जो किराया था वो उसने बता दिया था कि भाई ये बर्तन आज ले जा रहे हो एक दिन का किराया इतना है अब आपने तीन दिन के बाद वापस किए तो तीन दिन का किराया देना आप पर वाजिब होगा तो ये जो है इस तरह की चीजों में अलबत्ता ये कि फुका फरमाते हैं ये पहले के जमाने में होता रहा होगा आजकल तो शायद ना होता हो कि लोग जो है वो कपड़े ले जाते थे किराए पर या यानी कि घर का सामान साजो सामान सामान सोने चांदी की चीजें या घर के सामान, ये किराए पर ले जाते थे या घोड़ा ले जाते थे और क्यों ले जाते थे कहते कपड़ों को सिर्फ सजाने के लिए या कोई ऐसी जो घर को सजाने के लिए बर्तन घर को सजाने के लिए कपड़े वो सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कपड़ों के इतने अंबार लगे हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ नुमाइश और याकारी के लिए और इसी तरह घोड़ा लेते थे सवारी के लिए नहीं बल्कि आगे चलाने के लिए कि देखो मेरे यानी कि आगे आगे घोड़ा चलता या यह मेरे घर के आगे तो इतने घोड़े बंधे हुए हैं इतने यानी कि कार है इतनी ये है इतनी वो है अगर सिर्फ ये दिखाने के लिए अगर वो उजरत पर और किराए पर लेता है तो उस सूरत में किराया वाजिब भी नहीं होगा हाँ अगर वो ज़ाय हो जाता है तो उसका तवान देना लाजिम होगा अच्छा ये कि अगर किसी बंदे ने कोई गाड़ी वगैरह आजकल तो गाड़ी का सिस्टम है घोड़ा तो गया अब गाड़ी है, जो है हम किराए पर लेते हैं कि भाई यहाँ से हमको अहमदाबाद जाना है मुंबई जाना है तो किराए पर हमने गाड़ी ले ली तो जो तय हुआ हो वो हमें देना लाजिम होगा वो रास्ते में भी वो किराया मांग सकता है उससे हक है कि वो रास्ते में मांगे हमारे यहाँ भी रिवाज ये है कि हम जाते हैं किराया तय हुआ है भाई इतने हजार पांच रुपया देना है लेकिन रास्ते में पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं तो कहता है भाई पैसा दो तो आधा पैसा वो पेट्रोल में भरवा लेता है बाकी का आधा जब हम वापस घर लौटे तब देता है तो ये उसके लिए मांगना जायज है कि आधे रास्ते पहुंच कर वो ले सकता है और ये जब यानी कि कोई मंजिल तक यानी हमने कहा कि भाई आपको बॉम्बे एयरपोर्ट तक आपको ले जाना है और त, आ, किराया तय हुआ तो अब वो आधे रास्ते में आपको नहीं छोड़ सकता अगर आधे रास्ते में छोड़ेगा तो आधे रास्ते की उजरत होगी कुल उजरत उस पर वाजिब नहीं होगी लेकिन आधे रास्ते की उजरत उसे देना लाजिम होगा लेकिन ये कि उस पर किराए वाले पर यानी कि लाजिम है कि वो आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाए इसी तरह से अगर कोई बंदा जो है अः सवारी यानी सवार होते जैसे आजकल टिकट वगैरह का सिस्टम है तो ये सारी चीजें जो है वो अः हम गाड़ी वगैरह में ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो ये सब भी जायज है अलबत्त ये कि सिनेमा घरों में या स्टेडियम वगैरह में और जो भी हराम कामों की टिकट हो वो यानी बेचना लेना या उसे बेचने के लिए बैठना ये सब जायज नहीं है ऐसा कारोबार करना भी जायज नहीं इसी तरह आजकल डांस बार में या नाइट क्लब वगैरह में जो है शराब के प्याले भरने के लिए यानी के ग्लास भरने के लिए या शराब वगैरह सर्व करने के लिए वहां पर जो है कुछ वेटर वगैरह रखे जाते तो ये इस तरह की नौकरी करना सख्त हराम है ये नौकरी करना जायज नहीं है इसी तरह से आप जो है आजकल ऑनलाइन कारोबार चलता है तो एक बंदा जो है वो एक बंदा ऑनलाइन जो है उसकी साइट है उसका सारा सामान है ऑनलाइन वेबसाइट है आप दरमियान में हैं और आप जो है उसके सामान को अपने यानी के नाम से लोगों में तशहर करते हैं और तशहर करने के बाद आप ग्राहक तलाश करके लाते हैं कि भाई ये यानी कि आप सामान खरीदो तो उस सूरत में वो कमीशन देते हैं आपको तो ये सूरत भी जायज़ है ये कमीशन की सूरत है और ये आपने चूंकि उसमें मेहनत की है ग्राहक ढूंढ कर लाए हैं तो ये जायज है कमीशन में हमेशा ये कायदा याद रखे कि सिर्फ सजेस्ट कर देने में कोई कमीशन नहीं होता सिर्फ सजेस्ट करने का कोई कमीशन नहीं होता मिसाल के तौर तो पर मैं बैठा हुआ हूं और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई यार यहां ये चीज कहां मिलेगी तो मैंने कहा मैं बताऊंगा लेकिन आपको दस रुपया देना होगा तो कहते ये आ, आपके लिए जायज नहीं होगा ये कमाई जायज नहीं है इस पर कमीशन लेना इसी तरह कुछ यानी कि गाड़ी के जो लेन देन करते हैं फोर व्हीलर का कारोबार करते हैं टू व्हीलर का कारोबार करते हैं जमीन फ्लैट मकान वगैरह का जो लोग यानी दलाली करते हैं कमीशन पर जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो बैठे होते हैं और इनके पास कोई आदमी है चूंकि वो कम यानी कि दलाल है इसलिए फोन करता है कि भाई अभी फिलहाल कोई गाड़ी मिलेगी कहाँ मिलेगी आप फरा के घर चले जाओ वो बेचने वाला है आप पहुंचे आपने सौदा कर लिया अब वो मांग नहीं सकता है अब वो नहीं मांग सकता अपनी अपना कमीशन के भाई मैंने गाड़ी भी बिकवाई तो लाओ मेरा कमीशन और जिसने खरीदी उससे भी मांगे जिसने बेची उससे भी मांगे ये जायज नहीं है कि आपने सिर्फ दलालत किसी इशारा यानी कि खबर दी है कि उसके यहाँ है ये जायज नहीं है हाँ अलबत्ता कि आपने मिसाल के तौर तो उसे गाड़ी दिखाने के लिए ले गए फ़ोन पर बातचीत की तो फोन का खर्च हुआ, खर्चा हुआ आप उसे दिखाने के लिए ले गए और ये सारी दौड़ भाग की तो या मकान फ्लैट वगैरह दिखाने के लिए ले गए ज़मीन दिखाने के लिए ले गए ये सारे काम अगर आपकी मेहनत शामिल है तो फिर आप कमीशन ले सकते हैं और इसमें फिर कोई हर्ज नहीं है इसी तरह से अगर यानी कि ये तो जायज कामों की है अगर कोई हराम काम में कमीशन लेना चाहे तो फिर ये जायज नहीं है मिसाल के तौर तो पर कोई फ्वाशा औरत है और उसका यानी कि कमीशन तय हुआ कि तू ग्राहक तलाश करके ला मैं तुझे इतना दे दूंगी तो वो जो है ग्राहकों को तलाश करके उस औरत तक पहुंचाता है तो इसकी उजरत जो है वो हराम होगी चाहे वो यानी कि वेबसाइट के जरिए हो चाहे किसी आम तरीके पर हो इसी तरह से आजकल जो है ऑनलाइन यूट्यूब पर बड़ा कारोबार चलता है तो यूट्यूब में हम अपने वीडियोज अपलोड ड करते हैं और अपलोड करने के बाद उसमें जो है उसमें जो कारोबार होते हैं यानी कि हमारे वीडियोस चलते हैं तो यूट्यूब वाले जो हैं वो उसमें एडवरटाइज दिखाते हैं तो ये एडवरटाइज जो है वो फिल्मों की भी होती है म्यूजिक पर भी यानी म्यूजिक भी होता है औरतें भी उसके अंदर होती है तो इस तरह की एडवरटाइज के जरिए से कमाई हुई जो रकम होगी वो बिल्कुल हराम है उसका लेना जायज नहीं है इसी तरह एक यानी कि सॉफ्टवेयर चलता है कि अगर उस पर यानी कि उसमें वीडियो देखना होता है आपने जितने वीडियो देखे आपकी अर्निंग होती है और फिर एक रकम जब जमा होती है तो आप उसे निकाल सकते हैं तो यह वीडियो देखकर अर्निंग करना यह भी सख्त है ये भी तो उस सूरत में जो भी कमाई आपकी होगी एडवर्टाइज के जरिए फेसबुक वाले ने जो से दिखाई अच्छा ये लोग भी यूट्यूब वाले हों या फेसबुक वाले हों मुखलिफ किस्म की एडवरटाइज करेंगे और मुख्तलि मामालिक में मुख्तलिस्म कि जहाँ का जैसा कल्चर होगा वहां वैसी ही वो एडवर्टाइज करेंगे आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं आपके पास सामान मौजूद नहीं है और आप किसी और से लेकर देते हैं तो इस सूरत में ये कारोबार करना जायज है कि आपके पास तो वो चीज मौजूद नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो किसके पास है आप सिर्फ जो है वो चीज़ का नमूना तस्वीर के जरिए तस्वीर यानी कि औरत वगैरह की तस्वीर ना हो कपड़ों वगैरह की या उस चीज की तस्वीर आपने लगा दी और फिर उसके बाद आपने जो है जब वो ऑर्डर आया तो आपने किसी और से यानी कंपनी वगैरह से या जहाँ वो चीज मिलती है वहां से लेकर दे दी तो ये इस तरह का कारोबार करना बिल्कुल जायज है जैसा कि आजकल मीशो वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें लोग कारोबार करते हैं तो ये कारोबार करना जो है वो बिल्कुल जायज है एक मसला यानी कि दूध पिलाने का भी आता था ये पुराने जमाने में आता था आजकल नहीं आता वैसे एक बात यह है कि औरतों का दूध बेचना जायज नहीं है आजकल फॉरेन कंट्रीज में इस तरह का मसला चलता है कि वहां तो आ, औरतों के दूध की डेयरी बनी हुई है और वो लोग जो हैं औरतों के दूध को जमा करते हैं औरतें अपना दूध निकाल कर जमा कर जाती हैं और जमा करने के बाद जो है वो उसे रख लेते हैं फिर अगर कोई बच्चे वाला होता है जो दूध खरीदने आता है तो उसे दे दिया जाता है इसमें रजात का मसला है और जिसका दूध है जिस औरत का दूध है वो पिया यानी पिया तो फिर रजात का मसला हो जाएगा और वैसे भी औरत के दूध को बेचना हराम है तो ये कारोबार जायज नहीं है लेकिन यह कि पुराने जमाने में यह होता था कि दूध पिलाने के लिए दायाओं को रखा जाता था दाया रखी जाती थी दूध पिलाने के लिए आजकल भी औरत अगर दूध पिलाना ना चाहे अपने बच्चे को दूध पिलाना ना चाहे या ये कि उस औरत को दूध नहीं आता जिसको बच्चा हुआ उसे दूध नहीं आता है या वो दूध पिलाना नहीं चाहती दोनों सूरतों में अगर यानी कि मर्द चाहता है कि अब यानी किसी तरीके से अपने बच्चे को दूध पिलाए तो अगर वो किसी और औरत को किराए पर रखता है तो ये किराए पर रखना जायज है कि वो औरत तो 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 इस बच्चे तो को दूध पिलाएगी और जो भी उसकी उजरत और किराया हो मुतन हुआ हो वो उसे माहाना अदा करना होगा इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं अगर आप पूछना चाहें तो सवाल कर सकते हैं इंशाला उसके जवाब दिए जाएंगे